प्यारे नन्हे मुन्ने दोस्तों, क्या आप जानते हो हजारों साल पहले हमारे भारत देश में महाराजाओं का शासन हुआ करता था। उनकी रानियां प्यारे प्यारे राजकुमार और सुंदर सुंदर राजकुमारियां होती थीं। शक्तिमान भगवान और दुष्ट राक्षस भी इसी भूमि में रहा करते थे। आप और हम सब चले हजारों साल पहले की दुनिया में, राजा रानी राजकुमार और राजकुमारी से मिलने। चलो भगवान को जाने और असुरों की अद्भुत कथा सुने। चलो चलते हैं उस दुनिया की हम सैर करने हजारों साल पहले। हजारों साल पहले, हजारों साल पहले, हजारों साल पहले। शकुंतला। ये कहानी है शकुंतला की। स्वर्ग में रहने वाली अप्सरा मेनका की सुंदर सुपुत्री शकुंतला। शकुंतला की कथा रची है प्राचीन भारत के महान कवि और नाट्यकार महाकवि कालिदास ने। हस्तिनापुर राज्य के पास के जंगल में महर्षि कर्ण का आश्रम था, वहीं शकुंतला पली बढ़ी। ये क्या है? ओह, कितनी सुंदर बच्ची है, न जाने कौन इसे यहां छोड़ गया है। लेकिन वो जो कोई भी हो, आज से ये मेरी पुत्री है, मैं इसे बड़ा करूंगा। मैं इसे पुकारूंगा शकुंतला कहकर।
मेरी प्यारी बेटी, ये जंगल के सारे पशु पक्षी ये समझते हैं कि तुम उनमें से एक हो और वो तुमसे बहुत प्यार करते हैं। तुम भी तो उनसे प्यार करती हो। जल्दी ही शकुंतला बड़ी होकर एक सुंदर युवती बन गई। शकुंतला और उसकी सहेलियां प्रियंवदा और अनुसुईया महर्षि कण्व और उनके आश्रम की देखभाल करती थी, पौधों को पानी पिलाती, जानवरों को चारा खिलाती, हंसती गाती एक शांतिपूर्ण जीवन बिताती थी। जंगल की सीमा पर हस्तिनापुर का राज्य था। वहां राजा दुष्यंत का राज चलता था। दुष्यंत एक पराक्रमी और आदर्श राजा थे। वो बहुत ही जवान और दिखने में खूबसूरत भी थे। एक दिन जंगल में शिकार करते समय दुष्यंत राह भटक गए और महर्षि कर्ण के आश्रम में पहुंच गए। फूल है, लेकिन ये क्या? प्रिया बचाओ, भौरा। संभालो शकुंतला, वहां चली गई। सुनो युवतियों, हम एक भटके हुए प्यासे यात्री हैं, क्या आप मुझे थोड़ा सा पानी पीने दे सकती हैं? हमारा नाम दुष्यंत है, हम हस्तिनापुर के राजा हैं। ये बताइए आप कौन हैं और कहाँ रहती हैं? मेरा नाम शकुंतला है, मैं पास ही में महर्षि कण्व के आश्रम में रहती हूँ, जो यहाँ से ज्यादा दूर नहीं। हम महर्षि कण्व के दर्शन करना चाहते हैं। हे युवतियों, हमें उनके आश्रम ले चलो। पर महर्षि तो यहाँ इस समय नहीं है, आप उनके यहाँ आने तक आश्रम में ही क्यों नहीं ठहर जाते? कृपया आपका स्वागत करने का हमें मौका दीजिए महाराज। अगर हम लोगों ने आपको ऐसे ही जाने दिया तो महर्षि हमें कभी माफ नहीं करेंगे। दुष्यंत शकुंतला के अनुपम सौंदर्य से काफी प्रभावित थे। वो शकुंतला को छोड़कर जाना नहीं चाहते थे।
उन्होंने प्रियंवदा की बात मान ली और आश्रम की ओर चल पड़े। शकुंतला, जब से हमने आपको देखा है हम आपसे प्रेम करने लगे हैं। हम बस आपके बारे में सोचते रहते हैं। ना हम कुछ खा पी सकते हैं, ना ही चैन से सो सकते हैं। ओ हमारी प्यारी शकुंतला, क्या आप हमसे विवाह करेंगी? मेरी भावना लगभग वैसी ही है, लेकिन लज्जा के कारण मैं खुलकर नहीं बता सकती। और जल्द ही दुष्यंत का आश्रम छोड़ने का समय आ गया। प्यारी शकुंतला, हमें दुख है कि हमें जाना पड़ रहा है। हमारे राज्य को हमारी जरूरत है। जब तक महर्षि लौटे आप यहीं उनकी प्रतीक्षा करें। हस्तिनापुर पहुंचकर हम किसी को आपको लेने भेज देंगे। जैसी आपकी इच्छा स्वामी, लेकिन जल्दी कीजिए। अब मैं आपके बिना बिल्कुल नहीं रह सकती। शकुंतला, चिंता मत करो, ये लो, ये अंगूठी रख लो। इसे हमेशा अपने पास रखना। इसे अपने प्यार की निशानी समझना। जैसे ही हम हस्तिनापुर पहुंचेंगे, अपने मंत्रियों को आपको लेने भेज देंगे। दिन और मास बीतते गए। शकुंतला हमेशा अपने पति की यादों में खोई खोई सी रहती। ना वो अपने प्यारे जानवरों से खेलती, ना ही सहेलियों से मिलती। बस पूरा समय अपनी कुटिया में ही व्यतीत करती। एक दिन हमेशा की तरह शकुंतला अपनी कुटिया के द्वार पर बैठकर राजा दुष्यंत के बारे में सोच रही थी कि महर्षि दुर्वासा महर्षि कर्ण से मिलने वहां आए। उन्होंने काफी देर प्रतीक्षा की कि शकुंतला उन्हें आदर पूर्वक स्वागत करके कुटी के अंदर ले जाए, परंतु शकुंतला अपने पति की याद लिए अपने आप में ही खोई रही। उसका महर्षि दुर्वासा की तरफ ध्यान ही नहीं गया। इसे अपमान समझकर दुर्वासा ऋषि बहुत ही क्रोधित हुए। तुम नादान लड़की, तुमने मेरा घोर अपमान किया है। मैं यहाँ पर महर्षि कण्व से ये सोचकर मिलने आया था कि मेरा यहाँ उचित तरह से स्वागत होगा, पर अपने विचारों में खोकर तुमने
घर आए अतिथि के तरफ के अपने कर्तव्यों का उल्लंघन किया है, इसलिए मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि जिसके प्रति विचारों में खोकर तुमसे ये भूल हुई है वो ही तुम्हें हमेशा के लिए भुला देगा। शकुंतला को श्राप देकर महर्षि दुर्वासा लौट रहे थे कि अचानक प्रियंवदा, जो इस घटना को देख रही थी, आकर उनके पैरों पर गिर पड़ी। हे महर्षि, शकुंतला को क्षमा कीजिए, क्षमा कीजिए महर्षि, वो बहुत ही सुशील है। अपने पति से दूर होने की चिंता में ही उसके हाथों से गलती हो गई है। उसने जिंदगी में कभी किसी का अपमान नहीं किया है। प्रियंवदा की बातें सुनकर महर्षि दुर्वासा का क्रोध थोड़ा कम हुआ। मैं अपने श्राप को वापस तो नहीं ले सकता, मगर उसे थोड़ा बदल सकता हूँ। उस व्यक्ति की यादें तभी लौटेंगी जब वो किसी ऐसी वस्तु को देखेगा जो उसी ने दी हो। मैं बस इतना ही कर सकता हूँ। ये कहकर दुर्वासा ऋषि लौट गए। प्रियंवदा बहुत दुखी हुई। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि ये बात वो शकुंतला को कैसे बताए। अचानक उसे राजा दुष्यंत की दी हुई अंगूठी की याद आई। तो ये बात है, जैसे ही महाराज अंगूठी देखेंगे उन्हें शकुंतला की याद आ जाएगी। हे भगवान, शकुंतला पर कृपा करना भगवान। शीघ्र ही महर्षि कर्ण अपने आश्रम लौट आए। शकुंतला के विवाह की बात सुनकर वो काफी प्रसन्न हुए। प्रियंवदा ने साथ में उन्हें ये भी शुभ समाचार दिया कि शकुंतला जल्द ही मां बनने वाली है। उन्होंने ये निर्णय लिया कि शकुंतला को अपने पति के पास लौट जाना चाहिए। मैं तुम्हारे लिए बहुत खुश हूं शकुंतला, हमें तुम्हारी बहुत याद आएगी, लेकिन अब तुम्हें हस्तिनापुर में अपने पति के पास जाना चाहिए। गौतमी, जिसने तुम्हें माँ का प्यार दिया, अब तुम उसके साथ हस्तिनापुर जाओगी अपने पति के पास। प्रियंवदा तथा अनुसुईया ने शकुंतला को अच्छे वस्त्र पहनाए और वो हस्तिनापुर के लिए चल पड़ी। सभी पेड़ पौधे पशु पक्षी उसे जाते हुए देखकर काफी दुखी हो रहे थे। शकुंतला के पास आकर उन्होंने अश्रुपूर्ण विदाई दी। मेरी प्यारी बहन, अपना ख्याल रखना, हमें तुम्हारी बहुत याद आएगी। तुम्हारे बिना ये आश्रम पहले जैसा नहीं लगेगा। महाराजा की दी हुई अंगूठी को अपनी जान से ज्यादा ख्याल रखना, ये तुम्हारे लिए बहुत कीमती है। मैं तुम सबको कभी नहीं भूलूंगी, मुझे तुम लोगों की बहुत याद आएगी। मैं तुमसे मिलने आया करूंगी प्रियंवदा, मेरे पेड़ पौधों और जानवरों की देखभाल करना। हम काफी देर से चल रहे हैं। शकुंतला, तुम भी थक चुकी होगी, कुछ खा पी कर थोड़ी देर नदी के किनारे विश्राम कर लेते हैं। ओह, इस नदी का पानी कितना निर्मल और शीतल है।
प्रणाम। हम महर्षि कण्व के आश्रम से राजा से मिलने आए हैं। आप यहीं रुकिए, मैं महाराज को आपके आने की सूचना देता हूं। महाराज की जय हो। महर्षि कण्व के आश्रम से कुछ शिष्य आपसे मिलने आए हैं। उनके साथ एक स्त्री भी है, वो आपसे कुछ बातें करना चाहते हैं। हमें पता नहीं कि वो कौन लोग हैं, उन्हें अंदर भेज दो। राजा, हम महर्षि कण्व के आश्रम से आए हैं। हमारे साथ आपकी प्रिय पत्नी शकुंतला भी हैं। हमने आपकी काफी प्रतीक्षा की ताकि उन्हें लेने आप किसी को भेजें। अब वो आपके बच्चे की मां बनने वाली हैं। हम उन्हें आपके पास ले आए हैं, कृपया उन्हें स्वीकार करें। इस देवी के प्रति आदर व्यक्त करके हम ये कहेंगे कि शायद कुछ गलती हो गई है। हम कभी महर्षि कण्व के आश्रम नहीं गए हैं और ना ही हम किसी शकुंतला को जानते हैं। सुनो शकुंतला, महाराज को उनकी दी हुई अंगूठी दिखाओ, सभी बातें बिल्कुल साफ हो जाएंगी। हे भगवान, मेरी अंगूठी! मैंने तो उस अंगूठी को एक पल के लिए भी अपने से अलग नहीं किया था। वो अंगूठी यहीं कहीं गिर गई होगी शायद। चलो उसे ढूंढते हैं। बस बहुत हो चुका, हमें लगता है आपको यहाँ से चले जाना चाहिए। ना ही हम आपको पहचानते हैं, ना ही हमने आपको पहले कभी देखा है। ओ महाराज, इतने क्रूर ना बनिए। क्या आपको याद नहीं, आप जंगल में राह भटक गए थे, आपको प्यास लगी थी और उस वक्त मैंने ही आपको पानी पिलाया था। अपना विवाह, अंगूठी जो आपने मुझे दी थी, आप ये सब बातें कैसे भूल सकते हैं? हमें कुछ याद नहीं और हमें लगता है कि आपको यहाँ से चले जाना चाहिए। आप एक गर्भवती महिला है, इसीलिए आपको क्षमा करते हैं, अन्यथा राजा पर ऐसे झूठे आरोप करने की चेष्टा में आपको कड़ी शिक्षा हो सकती थी। आप इतने कठोर कैसे हो सकते हैं? हे भगवान, मुझ पर दया करो। कोई फायदा नहीं शकुंतला, चलो चलते हैं यहाँ से। नहीं, उसकी जगह उसके पति के पास है। हम उसे वापस आश्रम नहीं ले जा सकते, हमें उसे यहीं छोड़ना होगा। लेकिन ये जल्द ही माँ बनने वाली है। हे महाराज, मैं इसे अपने आश्रम ले जाता हूँ। प्रसूत होने तक मेरी पत्नी इनका ध्यान रखेगी। आप इनके साथ जाइए, हस्तिनापुर से आपको सभी सुविधाएं मिलेंगी, लेकिन फिर से ऐसा झूठा आरोप कभी मत लगाना। राजन, अभी एक अनहोनी घटना घटी। उस महिला को घर ले जाते समय अचानक आकाश से एक देवी उतरी।
और उसे अपने साथ ले गई। ये तो बहुत ही अचरज की बात है। वैसे वो अच्छी महिला लगती थी, पर पता नहीं वो कौन थी। ये लो, अब तुम्हें अच्छा सबक मिलेगा। ये लो। हाँ? तुम्हारी ये हिम्मत कि तुमने राजा के यहाँ चोरी की? हाँ? दया करो, मुझ पर दया करो। मैं चोर नहीं हूँ। मैंने राजा को देखा तक नहीं है। तो मैं उनकी ये अंगूठी कैसे चोरी कर सकता हूँ? मुझे तो ये अंगूठी मेरे जाल में फंसी मछली के पेट से मिली है। मेरा विश्वास कीजिए। अच्छा, तो मछली ने राजा की अंगूठी खा ली। आजकल हस्तिनापुर की मछलियाँ भी राजा की सोने की अंगूठी खाने लगी हैं? चलो, इसे महाराज के पास ले चलते हैं। हाँ, महाराज जरूर खुश होकर हमें इनाम देंगे। इस अंगूठी पर राजा का निशान जो है। हाँ, महाराज की जय हो। हमने इस चोर को बाजार में आपकी अंगूठी बेचते हुए रंगे हाथों पकड़ा है महाराज, पर यह अपना गुनाह स्वीकार नहीं कर रहा है महाराज, इसलिए यहाँ ले आए हैं। हे महापराक्रमी राजा, मेरे जैसा गरीब आदमी आपकी कीमती अंगूठी कैसे चुरा सकता है? महाराज, ये अंगूठी तो मुझे जाल में फंसी मछली के पेट से मिली है। मुझे नहीं पता था कि ये आपकी है, वरना इसे सीधे आपके पास लाता। हाँ महाराज। प्यारी शकुंतला, हमने आप पर भरोसा नहीं किया। आप न जाने अब कहां होंगी। जाओ, पूरा राज्य छान मारो, जंगल में जाकर ढूंढो। शकुंतला को ढूंढो, हमारी पत्नी को ढूंढो। हम स्वयं जाकर उसे वापस ले आएंगे। हम तुम्हें इनाम देंगे। इस मछुआरे को हीरे जवाहरात दो। इसने हमारे हाथों से होने वाले पाप को रोका है। भगवान हमें कभी माफ नहीं करेंगे। हमने हमारी पत्नी को धोखा दिया है। हम अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाएंगे। ओह, ये हमने क्या किया? वो इतनी दूर से इस हालत में हमारे पास आई और हमने उसका अपमान किया। हमने उसे बहुत दुखाया है। दिन माह बीतते गए। राजा दुष्यंत अपने आप को क्षमा नहीं कर पाए। वो पूरा समय शकुंतला के बारे में ही सोचते रहते और दुखी रहते। एक दिन भगवान इंद्र का दूत उनसे मिलने आया। हे पराक्रमी राजा, मैं आपके लिए इंद्रदेव का संदेश लाया हूँ। वो चाहते हैं कि दानवों के विरुद्ध लड़ाई में आप देवताओं की मदद करें। इंद्रदेव से कहिएगा, हम दानवों के विरुद्ध जरूर लड़ेंगे और देवताओं की मदद करेंगे। और इस प्रकार महाराज दुष्यंत युद्ध के लिए निकल पड़े। उनके लिए इंद्रदेव ने हवा में उड़ने वाला विशेष रथ भेजा था। Thank you.
और दानवों के बीच घमासान युद्ध हुआ। अंततः भगवान इंद्र की बहादुर सेना ने दानवों को युद्ध में पराजित कर दिया। भगवान इंद्र की आज्ञा लेकर महाराज दुष्यंत हस्तिनापुर के लिए चल पड़े। राह में उन्हें एक बहुत सुंदर स्थल दिखाई दिया। उन्होंने अपने सारथी से वहां रथ रोकने को कहा। वाह, यह कितनी सुंदर जगह है, और तो और यहाँ कितनी शांति है। हमें यहाँ बहुत ही प्रसन्नता महसूस हो रही है। क्या पता ये कौन सी जगह है? कितना प्यारा बालक है, और इस घने जंगल में शेर के बच्चे के साथ खेल रहा है। बहुत ही शूर है, लेकिन इस घने जंगल में अकेला क्या कर रहा है? नन्हे बच्चे, तुम कौन हो और अकेले क्या कर रहे हो? तुम्हारे माता पिता कहाँ हैं? क्या तुम्हें शेर के बच्चे से डर नहीं लगता? मेरा नाम भरत है। मैं महर्षि मारिच के आश्रम में अपनी माँ के साथ रहता हूँ। और इस शेर के बच्चे से मैं भला क्यों डरूं? ये तो मेरा दोस्त है। लेकिन आप कौन हैं और यहाँ क्या कर रहे हैं? क्या तुम हमें अपने आश्रम ले चलोगे? हमें जोरों की भूख और प्यास लगी है। तुम्हारे माता पिता कौन हैं? उनका नाम क्या है? मेरे पिता का नाम महाराज दुष्यंत है। वो हस्तिनापुर की राजा है। और मेरी माँ का नाम शकुंतला है। ये सुनते ही महाराज दुष्यंत स्तब्ध रह गए। उन्होंने तुरंत उस नन्हे बालक को उठाया और अपने सीने से लगा लिया। मेरे बेटे, तुम्हें देखने के लिए आंखें तरस गई थी। तुम्हारी माँ कहाँ है? चलो, हमें उनके पास ले चलो। शकुंतला, हमें क्षमा कर दो, क्षमा कर दो। हम आपको समझ नहीं पाए। हमें जो चाहे वो दंड दो, लेकिन हमारे साथ हस्तिनापुर वापस चलो। राज्य को कब से अपनी महारानी की प्रतीक्षा है। ओ स्वामी, आखिर आप आ ही गए। इस दिन की मैं बरसों से प्रतीक्षा कर रही थी। इसमें आपकी कोई गलती नहीं है महाराज। मुझे महर्षि दुर्वासा ने श्राप दिया था, जिसके कारण आप मुझे भूल गए। हाँ, लेकिन जब हमने आपको दी हुई अंगूठी देखी तो सारी बातें याद आ गईं। तब से लेकर आज तक हम अपने आप को क्षमा नहीं कर पा रहे हैं। अब हम आपको कभी कभी जाने नहीं देंगे। चलो, हमारे साथ चलो। लेकिन पहले हमें जाकर महर्षि मारिच से आज्ञा लेनी होगी। जब से मेरी माता ने मुझे उनके आश्रम में छोड़ा है, तब से लेकर आज तक उन्होंने ही मेरी और आपके पुत्र की देखभाल की है। और इस तरह महाराज दुष्यंत और शकुंतला महर्षि मारिच के पास आश्रम से जाने के लिए उनकी आज्ञा लेने गए। महर्षि मारिच ने उन्हें आशीर्वाद दिया और हस्तिनापुर जाने की अनुमति दी। हस्तिनापुर के सभी प्रजाजनों ने महारानी की वापसी पर उल्लास मनाया और नन्हे राजकुमार का स्वागत किया। सब जगह आनंद और उत्साह का वातावरण था। इस शुभ अवसर पर महर्षि कण्व और शकुंतला की सहेलियां भी राजमहल पधारी। शकुंतला और दुष्यंत आनंद पूर्वक अपना जीवन बिताने लगे। उन्होंने भरत को एक महान सम्राट बनने में मार्गदर्शन दिया। यही था शकुंतला का पुत्र भरत, जिससे अपने देश का नाम भारत पड़ा।
सागरिका की ओर से कल्चर कंपनी प्रस्तुत करते हैं कृष्ण और कालिया, बच्चों के लिए मनोरंजक कथा। राजा हूँ मैं इस नदी का, चलो चलते हैं उस दुनिया। कृष्ण और कालिया, आप और हम सब चले हजारों साल पहले की दुनिया में। सागरिका की ओर से कल्चर कंपनी प्रस्तुत करते हैं हनुमान जाए लंका जलाए, बच्चों के लिए मनोरंजक कथा। भगवान राम चाहते हैं आप सीता मैया को छोड़ दें। सीता को छोड़ दें कभी नहीं। चलो चलते हैं उस दुनिया, हनुमान जाए लंका जलाए। आप और हम सब चले हजारों साल पहले की दुनिया में। सागरिका की ओर से कल्चर कंपनी प्रस्तुत करते हैं कृष्ण और सुदामा, बच्चों के लिए मनोरंजक कथा। तुम मुझे बहुत याद आओगे कृष्ण। आप कृष्ण के पास क्यों नहीं जाते? चलो चलते हैं उस दुनिया, कृष्ण और सुदामा।